15 अप्रैल 1912 की रात को 1500 लोगों की ट्रेजिक डेथ की वजह बनने वाले टाइटैनिक के बारे में आपने बहुत सी मूवीज देख रखी होंगी, किताबों में पढ़ रखा होगा और म्यूजियम्स भी विजिट किए होंगे। लेकिन अगर टाइटैनिक डूबा ही ना हो तो, और अटलांटिक ओशन की तह में पड़ा हुआ शिप टाइटैनिक हो ही ना, बल्कि इसका सिस्टर शिप ओलंपिक हो तो, और हो सकता है कि ये सारा डिजास्टर एक स्कैम और एक फ्रॉड हो तो, ये टाइटैनिक के बारे में मोस्ट शॉकिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिस पर कुछ लोग ना सिर्फ यकीन करते हैं बल्कि इसकी सपोर्ट में वो एविडेंसेस और आर्गुमेंट्स भी पेश करते हैं। क्या है वो आर्गुमेंट और क्या वो कन्विंसिंग भी है या नहीं, आइए जानते हैं हैरत गदा की वीडियो में। Iceberg, run ahead! It took 3 years to build and less than 3 hours to sink. The most iconic shipwreck in history, the Titanic. अर्ली 20th सेंचुरी में एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी हुआ करती थी जिसको व्हाइट स्टार लाइन कहा जाता था। इस कंपनी का मालिक एक अमेरिकन टाइकून और बैंकर जेपी मॉर्गन था, जिसने खुद भी टाइटैनिक में सफर करने के लिए टिकट बुक करवा रखी थी, लेकिन लास्ट मिनट में उसने अपनी बीमारी और कुछ मसरूफियात की वजह से ये टिकट कैंसिल करवा दी। इसकी कंपनी की तरफ से जो शिप्स ऑपरेट किए जाते थे, इन्हें ओलंपिक क्लास शिप की टर्म से रेफर किया जाता था। ये शिप्स उस जमाने के लार्जेस्ट, मोस्ट लग्जरियस और सेफेस्ट शिप कहलाते थे। इनमें से 3 मोस्ट वेल नोन शिप्स थे, RMS ओलंपिक लॉन्च्ड इन 1910, RMS टाइटैनिक लॉन्च्ड इन 1911, RMS ब्रिटैनिक लॉन्च्ड इन 1914। इन्हें सिस्टर शिप्स भी कहा जाता था क्योंकि ये शिप्स अपने डिजाइन और लेआउट्स के एतबार से नियरली आइडेंटिकल थे। और इनमें से RMS टाइटैनिक की ऑफिशियल स्टोरी के बारे में आपने बेशुमार वीडियोस देख रखी होंगी। ये शिप, जिसको अपने सेफ्टी मैयर्स की वजह से अनसिंकेबल भी कहा गया, 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ अपने पहले सफर पर रवाना होता है और आइसबर्ग्स की कई वार्निंग्स को इग्नोर करता हुआ मामूल से भी ज्यादा तेजी से अपने सफर पर रवाना दवा रहता है। हैरतअंगेज तौर पर आइसबर्ग्स को देखने वाले बाइनोक्यूलर्स भी इस शिप में मिसप्लेस हो जाते हैं। इस पर 2200 से ज्यादा पैसेंजर सवार थे, जिनमें उस वक्त के मशहूर तरीन और वेल्दीएस्ट लोग शामिल थे। 14 अप्रैल की रात 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाता है और इस अनसिंकेबल शिप के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। शिप में तमाम पैसेंजर्स और क्रू के लिए बहुत कम लाइफ बोट्स होती हैं और अफरा तफरी में बहुत सी बोट्स को बगैर पैसेंजर्स से भरे ही लॉन्च कर दिया जाता है। इर्द-गिर्द के जहाजों को भी क्रू की तरफ से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वक्त पर रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच पाता। टाइटैनिक डूब जाता है और 15 अप्रैल की आधी रात 2:20 पर 1500 लोगों को फ्रीजिंग वाटर में मरने के लिए छोड़ जाता है, जिसमें से सिर्फ 710 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं और वो भी जो ज्यादातर लाइफ बोट्स में होते हैं। ये है वो ऑफिशियल स्टोरी जो हम तक पहुंचती है हिस्टोरी सर्वाइवर्स, आई विटनेसेस और एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन क्या ये स्टोरी सच है और इस सारी कहानी में टाइटैनिक की सिस्टरशिप ओलंपिक का क्या किरदार है? इस ऑफिशियल स्टोरी के ट्रुथ को चैलेंज किया गया 1998 में शाया होने वाली रॉबर्ट गार्डनर की बुक टाइटैनिक द शिप नेवर सैंक में, जिसमें गार्डनर ये साबित करने की कोशिश करता है कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था, और इस सिलसिले में वो बहुत ही दिलचस्प कहानी भी बयान करता है। उसका कहना है कि सितंबर 1911 में RMS ओलंपिक रॉयल नेवी के क्रूजर HMS हॉक के साथ कोलिजन का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में इसका हल और कील डैमेज हो गई। व्हाइट स्टार लाइन ने इसकी कंपनसेशन मनी रॉयल नेवी से क्लेम की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया ये कहकर कि ये कोलिजन सरासर उनकी अपनी गलती की वजह से हुआ था। इसके बाद ओलंपिक को आरसी तौर पर रिपेयर तो कर दिया गया, लेकिन ये रिपेयर्स डैमेजेस को फिक्स करने के लिए काफी नहीं थे और ओलंपिक बन गया अनप्रॉफिटेबल और अनसीवर्दी। गार्डनर के मुताबिक जेपी मॉर्गन और उसके एसोसिएट्स ओलंपिक से छुटकारा पाके न सिर्फ इसकी इंश्योरेंस मनी कलेक्ट करना चाहते थे, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने कुछ राइवल्स को भी खत्म करना चाहते थे जो कि टाइटैनिक में सवार थे, जिनमें जॉन एस्टर, इजिडोर स्ट्रॉस और बेंजामिन गुगनहाइम शामिल थे। और कहा यह जाता है कि ये लोग मॉर्गन के अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे। और गार्डनर के मुताबिक तो मॉर्गन के लास्ट मिनट पर टिकट कैंसिल करने की वजह भी यही थी कि वो खुद टाइटैनिक सिंकिंग का मास्टरमाइंड था। लेकिन टाइटैनिक की जगह ओलंपिक आया कैसे? गार्डनर का दावा है कि टाइटैनिक को ओलंपिक के साथ बेलफास्ट में स्विच कर दिया गया। बेलफास्ट वो सिटी है जहां पर हार्लैंड एंड वुल्फ नामी कंपनी ने इन सिस्टर शिप्स को तैयार किया था। उन्होंने इन दोनों शिप्स को बिल्कुल आइडेंटिकल दिखाने के लिए कुछ माइनर चेंजेस किए, जैसा कि इनकी नंबर प्लेट्स को स्वैप करना, इनके पोर्ट होल्स के नंबर को चेंज करना। और गार्डनर के कहने के मुताबिक इस काम के लिए उन्होंने अपने क्रू में चंद लॉयल लोगों को भी हायर किया जो कि इस प्लान में शामिल थे, जिन्हें ये हदायत दी गई कि वो पैसेंजर शिप को प्री अरेंज लोकेशन की तरफ ले जाएं, जहां पर एक और शिप SS कैलिफोर्नियन इनका इंतजार कर रहा होगा रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन किसको? जी हाँ, इसी लॉयल क्रू को। और फिर इसी क्रू ने इस शिप पे कुछ क्रूशियल इक्विपमेंट को मिसप्लेस कर दिया, जिनमें बाइनोक्यूलर्स और पैसेंजर्स के लिए लाइफ बोट्स शामिल है। इसके बाद टाइटैनिक इसी प्री अरेंज लोकेशन में आइसबर्ग से टकरा जाता है। इस लॉयल क्रू की तरफ से दूसरे शिप्स को कंफ्यूज करने के लिए रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स को फेक डिस्ट्रेस सिग्नल्स भी भेजे जाते हैं, और फिर ये क्रू सैकड़ों मासूम पैसेंजर्स को
डूबता हुआ छोड़कर कैलिफोर्नियन में सवार होकर रवाना हो जाता है। कंफ्यूजिंग ना, लेकिन यही गार्डनर की पेश की हुई उस रात की कहानी है। और अपने इस क्रेजी थेरी के सपोर्ट में वो बहुत से एविडेंसेस रखने का भी क्लेम करता है, और इनके जरिए वो जेपी मॉर्गन, हॉलन एंड वुल्फ, व्हाइट स्टार लाइन, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सपोज करने का भी दावा करता है। और सुनने में ये थेरी काफी शॉकिंग लगती भी है, लेकिन चलिए गार्डनर के आर्गुमेंट्स को वन बाय वन एनालाइज करते हैं और इसकी सच्चाई का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका दावा कि ओलंपिक अनप्रॉफिटेबल और अनसीवर्दी था बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओलंपिक को 2 वीक्स के अंदर अंदर ही रिपेयर करके बगैर किसी मेजर इशू के समंदर में वापस सर्विस के लिए भेज दिया गया था, और ये अगले 24 सालों यानी 1953 तक ऑपरेट करता रहा। और इसने अपने करियर के दौरान व्हाइट स्टार लाइन के लिए 7 मिलियन पाउंड्स का रेवेन्यू भी जनरेट किया। गार्डनर का ओलंपिक और टाइटैनिक को एक दूसरे से स्विच करने का दावा भी गलत है, क्योंकि ये दोनों मुकम्मल तौर पर आइडेंटिकल नहीं थे। इनके डायमेंशंस और कई फीचर्स जैसे कि विंडो अरेंजमेंट्स, फ्लोरिंग पैटर्न्स, फनल्स, प्रोपेलर्स और हल एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, और इन डिफरेंसेस को पैसेंजर्स और वर्कर्स जिन्होंने ये शिप बनाए थे आसानी से नोटिस कर सकते थे। तीसरे नंबर पर गार्डनर का ये क्लेम कि ये जेपी मॉर्गन का अपने राइवल्स को किल करने का प्लान था इसलिए गलत है कि क्योंकि हिस्ट्री में इस बात की कोई इंडिकेशन नहीं मिलती कि इसके राइवल्स इसके बैंक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, जो कि 1913 में एस्टेब्लिश कर भी लिया गया था। बल्कि स्ट्रॉस तो इसके हक में था और मॉर्गन के पास अपने इन वेल्दियस क्लाइंट्स को मारने की कोई भी वजह नहीं थी। दूसरी तरफ मॉर्गन ने टाइटैनिक के लिए लास्ट मिनट में अपनी टिकट अपनी बीमारी और फ्रांस में अपनी आर्ट कलेक्शन की वजह से कैंसिल कर दी थी। अगर वो वाकई ऐसे किसी प्लान का मास्टरमाइंड था तो वो कभी टिकट बुक ही ना करता। चौथे नंबर पर आइसबर्ग्स की वार्निंग्स को इग्नोर करने और बाइनोक्यूलर्स और लाइफ बोट्स को शिप से रिमूव करने के आर्गुमेंट्स भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कंट्रोल्ड सिंकिंग को स्टेज करना ही था तो वो ये किसी भी सेफर लोकेशन और टाइम में कर सकते थे ताकि पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जा सके। इसके लिए उन्हें फ्रीजिंग वाटर में अनप्रिडिक्टेबल आइसबर्ग से टकरा कर सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। पांचवें नंबर पर गार्डनर का फेक डिस्ट्रेस सिग्नल्स का आर्गुमेंट भी बोगस है, क्योंकि टाइटैनिक के भेजे सिग्नल्स बहुत से शिप्स ने रिसीव किए थे। इनमें से सिर्फ कार्पेथिया ही बमुश्किल वक्त पर पहुंचा और चंद सर्वाइवर्स को बचाने के काबिल हो सका। कैलिफोर्नियन किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं रहा, बल्कि इसको टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स को इग्नोर करने पर काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। और फाइनली गार्डनर का बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को बेनकाब करने का दावा भी गलत है, क्योंकि डिजास्टर के बाद ब्रिटिश और अमेरिकन अथॉरिटीज की तरफ से बहुत सी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट की गईं, जिन्होंने इस रात के बारे में बहुत सी डिटेल्स और फैक्ट्स को आवाम के सामने पेश किया। तो क्या नतीजा निकाला आपने? जी हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि अनसिंकेबल टाइटैनिक रियल था और वाकई इस रात एक अलमनाक अंजाम से दोचार हुआ था। ये ह्यूमन एरर, प्राइड और इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी था, जिसके बाद मैरीटाइम सेफ्टी में बहुत सी रिफॉर्म्स भी की गईं। ये कोई स्कैम या कॉन्स्पिरेसी नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको हमें याद रखना चाहिए और इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टाइटैनिक के मुतालिक आप कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जानते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।